मेहंदी में बस ये छोटी सी चीज मिलाकर ऐसे लगाने से बाल बहुत ज्यादा शाइनी और खूबसूरत हो जाते हैं। अगर आप आज से 20 साल पीछे जाएं, तो सबसे ज्यादा जो मास्क बालों में इस्तेमाल किया जाता था वो था हिना मास्क, मेहंदी वाला मास्क। मेहंदी वाले मास्क से लड़कियां अपने बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाए रखती थी। मेहंदी का एप्लीकेशन बालों के लिए मस्ट होता है, क्योंकि कंडीशनिंग देने के साथ साथ डबल बेनिफिट्स देता है आपके बालों को स्मूथ बनाने और उनकी नई ग्रोथ करने के लिए। क्योंकि मेहंदी के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके बाल कंडीशनिंग होती है बालों की, बल्कि वो रूट से भी मजबूत हो जाते हैं। तो आज मैं ऐसा ही एक बहुत ही अमेजिंग सा हिना मास्क आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पानी बनाकर तैयार करना है, जिसके लिए आप एक पैन लेंगे और उसके अंदर पानी डाल देंगे। और यहाँ पर आपको डालना है इसके अंदर चाय पत्ती, थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दीजिए, नॉर्मली जो चाय बनाने के लिए हम यूज करते हैं वही। और इस पानी को अच्छी तरह से खोला लीजिए, उबाल लीजिए। उसके बाद इस पानी को आप छान करके अलग से रख दीजिए। और फिर आपने एक कढ़ाई लेनी है, आयरन की कढ़ाई होनी चाहिए, लोहे की कढ़ाई, क्योंकि आयरन के टच में जब हिना आती है तो वो एक डार्क कलर बनाती है, और आयरन के टच में जब हिना आती है तो हमारे बालों के लिए वो हिना और भी ज्यादा अच्छी रहती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर हिना यूज करना है। कढ़ाई के अंदर आप मेहंदी डाल दीजिए, जितनी आप अपने बालों के लिए यूज करते हैं। अगर आपके बालों की लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ आल्प्स गुडनेस का हिना पाउडर, जो मैंने purple.com से खरीदा है। एंड अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो हिना पाउडर डालने के बाद जो पानी आपने बनाया है, चाय पत्ती का पानी, वो आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें एंड इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। अभी मेहंदी का ये मास्क पूरी तरह से तैयार नहीं है, आपने इसके अंदर ऐड करना है कोई भी नरिशमेंट इंग्रेडिएंट जो कि आपके बालों को मॉइस्चराइज और नरिशमेंट दोनों दे सके। तो आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एलोवेरा जेल, या फिर आप कोई भी इसके अंदर ऑर्गेनिक ऑयल यूज करें। आप चाहें तो इसके अंदर कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल। और फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसका मास्क तैयार कर लेना है। आप आयरन की कढ़ाई के अंदर इसको मिक्स करके अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो, और उसके बाद में आपको इसे अपने बालों में अच्छी तरह से अप्लाई करना है। गाइज, अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई ना हो तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इस मास्क को किसी भी बॉल के अंदर बना लेना है। तो वीक में आपने 2 टाइम इस हिना मास्क को अपने बालों में ज़रूर लगाना है, और इसको लगाने के आपने 3 घंटे बाद तक छोड़ना है, एंड देन आपने वॉश करना है विदाउट एनी शैम्पू। तो आप इसको ट्राई करें। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।